नमस्कार। सो महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी मुलाना अम्बाला, राइट? अम्बाला चूंकि डिस्ट्रिक्ट पड़ती है तो उसका एड्रेस ऐसे आता है, लेकिन इस अम्बाला से पहले बेसिकली एक शहर आता है शाहबाद, वहां से राइट मारेंगे जीटी रोड पर अगर आप चल रहे हो तो 40 किलोमीटर अंदर जाके ही आता है। यही रोड आगे जाके काला आम्ब हिमाचल की तरफ जारी है। तो अगर आप वैसे देखेंगे तो किसी भी बड़े शहर से कम ये कॉलेज 40 किलोमीटर दूर है, और शायद यही इस कॉलेज की थोड़ी अच्छाई हो जाती है क्योंकि ये 40 किलोमीटर दूर है। सो जो भी उन गांव के लोग हैं उनके लिए जो कि एक अच्छा इमरजेंसी हॉस्पिटल है वो यही बन जाता है। सो बोथ फॉर ओपीडीज एज वेल एज फॉर इमरजेंसी हॉस्पिटल, क्योंकि जैसा मैंने कहा अगला जो बड़ा शहर है वो 40 किलोमीटर दूर पड़ेगा, वो भी अगर आप जीटी रोड पे आएंगे तो ठीक है। अगर आपको भी प्लान सर्जरी करनी है, नी कैप चेंज एंड ऑल दैट, तो दूर उठ के जा सकते हैं। लेकिन हॉस्पिटल जैसे कि हम सभी जानते हैं, चाहे वो ओपीडीज हो चाहे वो इमरजेंसी हो, इस तरह से आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और वही मुझे लगा कि तभी शायद MMU मुलाना आर्ग्यूबली द बेस्ट मेडिकल कॉलेज माना जाता है, प्राइवेट में मैं खासकर बोलूं, इन द एंटायर नॉर्थ इंडिया। और तभी से कट ऑफ भी हाईएस्ट जाती है, फॉर द वेरी सिंपल रीजन ऑफ जो कॉलेज की लोकेशन है, जो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है। सी देखिए, दिस कॉलेज इज ए पार्ट ऑफ ए वेरी वेरी बिग यूनिवर्सिटी। सो महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी है, वहां बहुत तरह की कोर्सेज हैं, और जिसकी वजह से और ये चलती यूनिवर्सिटी है। तो इंडिया में बहुत सब यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो बेचारी पिटी हुई हैं। तो जैसे ही आप इस कॉलेज के पास पहुंचेंगे आपको लगेगा कि आप एक मिनी शहर में आ गए हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, सो जितने भी आप खासकर नॉर्थ के मेडिकल कॉलेजेस देखेंगे उनके मुकाबले ये आपको सबसे ज्यादा भरा हुआ। अभी मैं पेशेंट फ्लो की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं सारी भीड़ पेशेंट्स थी, लेकिन जब आप MMU मुलाना के कैंपस के पास भी पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि आप तो एक बड़े शहर में आ गए हैं, आप चांदनी चौक में आ गए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहां पढ़ने आते हैं। आप ये मान के चलिए कम से कम 50 दुकानें हैं खाने की, छोटे मोटे सामान की, जो कि उन्हीं बच्चों के दम पे चल रही है। एक पेट्रोल पंप भी है ठीक सामने यूनिवर्सिटी के, और क्योंकि बसें चलती हैं, इस रनिंग प्रॉपर यूनिवर्सिटी। क्योंकि मैंने बोला कि 40 किलोमीटर के एरिया में कुछ और नहीं है, तो बच्चे को बाकी वहां नर्सिंग का कोर्स भी चल रहा है, वहां फिजियोथेरेपी का कोर्स भी चल रहा है, वहां पर नॉन मेडिकल दुनिया भर के BBA MBA हर चीज पढ़ाई जा रही है। तो वहां के सारे बच्चे आते हैं। आप ये मान के चलिए कि एक नहीं दो तो रनिंग फूड कोर्ट थे, कौन सा ब्रांड नहीं है, डोमिनोज अंदर था, कैफे कॉफी डे अंदर था, चाय गरम, इस तरह 10-12 तो एक चेन रेस्टोरेंट थे जो कैंपस के अंदर है। ICICI बैंक की ब्रांच, आई थिंक शायद PNB की ब्रांच, मतलब तीन तो बैंकों की ब्रांचे थी, नॉट ओनली ATM। तो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ क्राउड दैट दिस कॉलेज विल बी हैविंग। और ये ब्रांचेस सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं खुलेंगे, राइट? तो बहुत सारे, यू कैन इमेजिन कि बहुत सारे लोगों का आना जाना है इसी कैंपस के अंदर। शायद जितने भी बड़े बैंक हैं उन्होंने यही ब्रांच खोली होगी। तो जो आसपास के, मैंने रिपीट कर रहा हूँ, गांव वालों को भी आना है वो इसी बैंकों में ही आते हैं अपना काम कराने। उसी पेड पार्किंग में एट ए टाइम कम से कम आपको 500 गाड़ियां खड़ी दिखेंगी। हाँ जी, 500 गाड़ियां। सो रश का, क्राउड का कोई कमी नहीं है। मैंने बार-बार बोला कि इसकी और सोलन की मैनेजमेंट सेम है, तो दे आर एबल टू हैव द बेस्ट फैकल्टीज, और ऑफ कोर्स वो फैकल्टीज को ऐसे यूज करते हैं, बायोकेमिस्ट्री की टीचर हो, फिजियोलॉजी की हो, जितने भी इनके कोर्सेज होते हैं एनाटॉमी के, अच्छे प्रोफेसर हैं, वो 3 दिन सोलन 2 दिन अम्बाला, 3 दिन अम्बाला 2 दिन सोलन मुलाना में जाके क्लासेस लेते हैं। तो बच्चों को क्लासेस देने में कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपोजर की बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला कि बहुत पेशेंट्स आते हैं क्योंकि वो आसपास के गांव का एक चलता हुआ लोकेशन है, क्योंकि वहां पर एक हिंदी में बोलते हैं पैर पड़ा हुआ है उस लोकेशन पे। और स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से भी बोलूं, अदर देन लर्निंग इन एवरीथिंग, आप उस एरिया में कभी बोर फील नहीं करेंगे, कभी अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। प्रॉपर जो कॉलेज है वो हाईवे से तकरीबन 2 किलोमीटर अंदर आ जाता है, सो ऑफकोर्स बट कॉलेज से बाहर पहुंचने के लिए बहुत ऑटोज खड़े हैं। जैसे मैंने कहा चलती हुई जगह है, तो वो 10-10 रुपए वाले ऑटो भी लगातार चल रहे हैं, क्योंकि इतने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं टू रीच द हाईवे। ऑफकोर्स फिर आपको वही शाहबाद मोड़ पहुंचने के लिए 40 किलोमीटर जाना पड़ेगा एक तरफ, या 30 किलोमीटर सॉरी, एंड सिमिलरली आपको उधर जाएंगे तो आप छोटे शहरों में जा रहे हैं अंदर की तरफ, या यमुनानगर पड़ जाएगा अगर आप एक थोड़ा सा डायवर्शन ले लेंगे। सो बिकॉज ऑफ दिस आई थिंक
ये कॉलेज और ये यूनिवर्सिटी एक तरह से एक सेंटर पॉइंट है उसे बहुत बड़े रेडियस का। तो आपको कुछ खाना है, कुछ पीना है, जैसा मैंने बोला लोगों ने इलाज कराना है, बैंकों के काम है, आप इसी लोकेशन पे आएंगे। सो अगर आप उस जगह को देखेंगे दिन में, वो भी नॉन एडमिशन टाइम में, तो आपको लगेगा कि भाई एब्सोल्युटली सेफ, सिक्योर, फन लविंग। मतलब भीड़ थी, मतलब जो मेडिकल कॉलेज में आपको मतलब ठीक है सरकारी में मिलती है ना, उससे भी ज्यादा भीड़ थी। मतलब एक्चुअली लोगों पे लोग चढ़े हुए थे, बिकॉज कोर्सेज हैं, सब कोर्सेज हिट हैं। जैसा मैंने बोला कि पेड पार्किंग में शायद 500 में कम बोल रहा हूँ, और गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिली मुझे, बहुत दूर जगह रोड पे खड़ी करनी पड़ी। तो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ क्राउड दैट इज कमिंग एवरी डे इन दैट कॉलेज। फ्रॉम ऑल परस्पेक्टिव इट्स अ ग्रेट ऑप्शन। ऑफ कोर्स जो टोटल खर्चा है वो 90 लाख रुपए के आसपास पड़ता है, हॉस्टल वगैरह सब मिला के, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है अगर आप बाकी ऑप्शन से कंपेयर करें, जहां पर आप 70 लाख में हो रहा है या 74 में हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप 80 खर्च कर रहे हैं फॉर अ वेरी लो रेटेड कॉलेज, तो उसके मुकाबले इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, वेरी वेरी गुड ऑप्शन, अगर टोटल 90 लाख रुपए में आपका सारा काम हो जाता है MMU मौलाना अंबाला में। इट्स अ डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो इसकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो MCC कराता है, हरियाणा स्टेट से इसकी एडमिशन प्रोसेस नहीं होती है, थ्रू MCC होती है। तो जब MCC काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जिसमें ऑल इंडिया कोटा और AMC होती है, उसी में डीम्ड होती है, और उसी में शायद पूरे नॉर्थ इंडिया में दो ही हैं, एक ये है और एक संतोष गाजियाबाद है, तो उसके थ्रू आपको एडमिशन लेना है। 150 में से 23 सीटें NRI के लिए रिजर्व होती हैं, जो स्ट्रे मॉपअप में आगे कन्वर्ट होती है मैनेजमेंट सीट्स में। अक्सर इस कॉलेज की कट ऑफ 450 के ऊपर जाती है, लेकिन लास्ट में जब NRI सीट्स बच जाती हैं, तो मैनेजमेंट अपने डिस्क्रिप्शन पे स्टूडेंट्स को दे सकता है विद द नॉर्मल फीस ऑफ मैनेजमेंट, बट ऑफ कोर्स उसके लिए वो अलग से चार्जेस लेते हैं। अभी आप कॉलेज में फोन करेंगे, संपर्क करेंगे, तो यू विल बी गिवन अ प्राइस ऑफ कि ये 90 लाख के ऊपर आपसे कुछ 40-45 लाख रुपए मांगे जाएंगे। वी ऑल्सो हेल्प टू फैसिलिटेट टू गेट एडमिशन इन दिस कॉलेज फॉर दैट पर्टिकुलर सीट। हम कुछ सीट्स लेके रखते हैं टॉप मैनेजमेंट से, और जैसा मैंने कहा, बहुत कम लोग ऐसे वीडियो में बोलेंगे, आप डायरेक्टली फोन कीजिएगा, आपको वो लोग फीस के ऊपर कुछ 40 की फिगर बताएंगे, 35 की फिगर बताएंगे। इफ यू गो थ्रू GK Works, वही काम आपका उससे काफी कम फीस में हो सकता है, बिकॉज ऑफ द संडे रिलेशंस दैट वी कैरी इनसाइड द कॉलेज एंड द यूनिवर्सिटी। तो वो आप कर सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको वो वाली सीट चाहिए। दैट मीन्स आपके 300-350-200 मार्क्स की रेंज में है और आप MMU मुलाना में सीट लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9643-623-20। ये सीटें बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं होती हैं, मतलब पूरे साल में हमारे पास भी 3 ही होती हैं, जिनमें से ऑनेस्टली स्पीकिंग 1 की बुकिंग हो चुकी है, तो टोटल 2 ही बची हैं, उसके हिसाब से आप एक्शन ले सकते हैं। ओवरऑल ग्रेट ऑप्शन जैसा मैंने बताया, जिसके पास समय है जाके देखिए। स्पेशली दिस वीडियो इज फॉर पीपल जो हरियाणा से बिलोंग नहीं करते और जो जाकर नहीं देख सकते हैं। अगर आप राजस्थान के मतलब NIMS के लिए आप 1 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं, उस लेवल के कॉलेजेस के लिए या गीतांजलि वगैरह के लिए आप खर्च करने वाले हैं, उनके मुकाबले तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, बहुत चलती हुई ऑप्शन है, बहुत सुदृढ़ ऑप्शन है शुड आई से, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करा रहे हैं लोग। सो आप जरूर इस ऑप्शन को कंसिडर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।